नवरात्रि के मौके पर नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार एक बड़ी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल त्योहारी सीजन में उम्मीद है कि सरकार प्रोविडेंट फंड खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। इससे करीब 6 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें, पीएफ अकाउंट होल्डर्स को उनकी जमा राशि पर 8.1% की दर से ब्याज मिल सकता है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स खाते में जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की तरफ से इस तरह की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि पैसा कब तक आएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार त्योहार पर तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना बनती दिख रही है कि सरकार नवरात्रि पर्व के दौरान देश के करोड़ों पीएफ खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर पहले से ही तय कर चुकी है। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर 8.1 ब्याज दर से पैसा दिया जाएगा। इस हिसाब से पूरी कैलकुलेशन को देखें तो किसी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के खाते में ब्याज की कितनी राशि आएगी, ये उसके खाते में जमा रकम पर निर्भर करता है। जितनी रकम जमा होगी उस पर 8.1% की दर से ब्याज सरकार ट्रांसफर करेगी। अगर आपके पीएफ अकाउंट में 1,00,000 रुपए जमा है तो 8.1% की दर से आपको 8,100 रुपए सालाना ब्याज के रूप में मिलेंगे। वहीं अगर आपके पीएफ खाते में 10,00,000 रुपए जमा है तो फिर ब्याज के रूप में 81,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर होंगे। अगर आपके खाते में 7,00,000 रुपए हैं तो ब्याज के रूप में 56,700 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज की दर 8.5% थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए इसे 8.1% कर दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि आप अपना पीएफ बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। आपको बता दें, एसएमएस के जरिए बैलेंस चेक करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर EPFOHOUN इंग्लिश, अगर हिंदी में जानकारी चाहते हैं तो ENG के स्थान पर HIN लिखे टाइप कर मैसेज भेज दें। आपको रिप्लाई में बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो मिस्ड कॉल के जरिए भी अपना EPF बैलेंस जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 0112290140 पर मिस कॉल देनी होगी। ऑनलाइन अपना बैलेंस देखने के लिए ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर विजिट करें। पोर्टल पर अपना यूएन और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। इसमें व्यू पासबुक पर क्लिक करें और फिर आपके पास पासबुक खुल जाएगी। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।